अगर आपके पास रिनॉल्ट का क्विड गाड़ी है, उसमें अगर हीटिंग का प्रॉब्लम आता है तो आपको एक बार रेडिएटर फैन को जरूर चेक करना चाहिए। इस वीडियो में हम क्विड गाड़ी के रेडिएटर फैन में आने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपका रेडिएटर फैन काम नहीं करता जिससे आपका इंजन ओवरहीट होता है, तो आप इस प्रॉब्लम को आप कैसे चेक करेंगे, किस तरह से आपको रेडिएटर फैन के प्रॉब्लम को डायग्नोस करनी, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में दिखाएंगे। क्विड गाड़ी में रेडिएटर फैन का फ्यूज का लोकेशन कहाँ होता है, उसके अलावा रेडिएटर फैन का जो रिले होता है उसका लोकेशन क्या होता है, ये सारा कुछ हम इस वीडियो के आगे में दिखाएंगे, तो वीडियो के आखिर तक बने रहें। जब आप अपने गाड़ी को नॉन एसी चलाते हैं उस वक्त ये रेडिएटर फैन लगातार नहीं चलता है, सिर्फ इंजन के ओवरहीट होने पे ही चलता है, और इंजन का टेम्परेचर जैसे ही नॉर्मल होता है फौरन ये फैन बंद हो जाता है। फिर जब इंजन का टेम्परेचर बढ़ता है तो ये फ़ैन ऑन होता है, और टेम्परेचर नॉर्मल होते ही ये बंद हो जाता है। जब हम गाड़ी को एसी को ऑन करके चलाते हैं उस वक्त ये फ़ैन लगातार चलता है। अगर एसी देने पे ये फ़ैन आपका नहीं चलता है, गाड़ी को स्टार्ट करके एसी ऑन करने पे नहीं चलता है, तो फ़ैन के मोटर को किसी भारी चीज़ से ठोकना है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अगर फ़ैन को ठोकने से फ़ैन ऑन हो जाता है तो आप समझिए आपका फ़ैन का मोटर में प्रॉब्लम है। लेकिन कितना बार ऐसा होता है कि ठोकने से भी हमारा ये फ़ैन ऑन नहीं होता है, क्योंकि कार्बन इसका बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाता है, और बिल्कुल जब ख़राब हो जाता है तो ये फ़ैन ठोकने पर भी नहीं चलता। उस कंडीशन में हमारा जो रेडिएटर फ़ैन में जो वायर जाता है, उस वायर का कपलर को खोलना होता है, और खोल के हमें मेन करंट चेक करना होता है। अगर ठोकने से भी अगर हमारा ये फ़ैन ऑन नहीं होता है, उस कंडीशन में ये कपलर हम खोलेंगे और इसमें हम चेक करेंगे कि इसमें हमारा मेन करंट और अर्थिंग करंट आ रहे हैं नहीं। तो पहले हमें इस रेडिएटर फ़ैन के कपलर को खोलना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इस रेडिएटर फ़ैन के इस कपलर को खोल दिया। अब इसमें दो वायर होता है, इसमें से एक वायर में हमारा मेन करंट आता है और एक में हमारा बॉडी से अर्थिंग करंट आता है। उसमें अब जब गाड़ी बंद भी रहता है या बंद भी रहता है तब भी हमारा उसमें अर्थिंग करंट आता है, और दूसरा वायर में जब हम गाड़ी को स्टार्ट करके एसी ऑन करते तब भी हमारा उसमें मेन करंट आता है। अगर नॉन एसी चलाते हैं तो सिर्फ इंजन के हीट होने पे मेन करंट उसमें आता है। तो ये है हमारा टेस्ट लैंप। इसी टेस्ट लैंप का हेल्प से हम मेन करंट और अर्थिंग करंट चेक करेंगे। अगर आपके पास कोई डीसी पे चलने वाला बल्ब हो, डीसी पे चलने वाला कोई भी बल्ब हो, उससे भी आप चेक कर सकते हैं मेन करंट और अर्थिंग करंट। तो पहले हमें पॉजिटिव करंट चेक करना है। पॉजिटिव करंट चेक करने के लिए मैंने टेस्ट लैंप का एक एंड को बैटरी के अर्थ पे कनेक्ट कर दिया, और दूसरा एंड से 1x1 करके दोनों पिन में हमें टच करना है, जिसमें हमारा बल्ब जलने लगे उसमें हमारा मेन करंट आ रहा है। अगर आपके गाड़ी में दोनों वायर में मेन करंट और अर्थिंग करंट आता है उसके बावजूद भी आपका फ़ैन नहीं चलता, तो आप समझिए आपका जो फ़ैन मोटर है वो फ़ैन मोटर ख़राब हो चुका है। इसके दोनों वायर में आपको 1x1 करके ये चेक करना है कि दोनों वायर में हमारा एक में मेन करंट और अर्थिंग करंट आ रहा है या नहीं। अब हम टेस्ट लैंप के एक एंड को बैटरी के मेन में कनेक्ट कर देते हैं, और टेस्ट लैंप का दूसरा एंड से हम दोनों वायर में 1x1 करके चेक करेंगे कि दोनों वायर में से किसी एक वायर में हमारा अर्थिंग करंट आ रहा है या नहीं। तो 1x1 करके चेक करना है, जिसमें हमारा बल्ब जलने लगेगा उसमें आप समझिए हमारा अर्थिंग करंट आ रहा है। तो हम मेन करंट को चेक करने के लिए टेस्ट लैंप के दूसरा एंड को बैटरी के अर्थ पे कनेक्ट करते हैं, और अर्थ को चेक करने के लिए हम टेस्ट लैंप के दूसरा एंड को बैटरी के मेन में कनेक्ट करते हैं। अगर रेडिएटर फ़ैन के कपलर में मेन करंट नहीं आता उस वक्त हमें फ्यूज बॉक्स के कवर को खोलना है, और फ्यूज बॉक्स के कवर खोलने के बाद हमें रिले को चेक करना है। रेडिएटर फ़ैन का जो रिले होता है उसे चेक करना है, उसके बाद हमें ये हमारा रेडिएटर फ़ैन का रिले है, अब इस रिले को हमें चेक करना है। उसके बाद हमारा इस रिले के अलावा जो रेडिएटर फ़ैन का जो फ्यूज़ है वो फ्यूज को भी चेक करना है। तो हमारा जो बगल में 15 एम्पीयर का जो फ्यूज है वो हमारा रेडिएटर फ़ैन का फ्यूज़ है, तो उस फ्यूज को हमें चेक करना है। फ्यूज को हम फ्यूज पिलर के हेल्प से बाहर निकाल के भी चेक कर सकते हैं। अगर आपका ये पहले हमें फ्यूज को चेक करना है, अगर ये फ्यूज आपको कटा हुआ मिलता है, फ्यूज अटक अगर कटा हुआ मिलता है तो आपका फ़ैन मोटर में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि फ्यूज दोस्तों हमारा फ़ैन मोटर शॉर्ट होने ही से करता है। अगर आप इस फ्यूज को एक्सचेंज करके नया फ्यूज को लगाते हैं तो आपका जो नया फ्यूज है वो भी कुछ देर चलने के बाद नया फ्यूज भी कट जाएगा, अगर आपका फ़ैन मोटर शॉर्ट हो जाता है। तो जब भी आपका ये गाड़ी का फ्यूज कट जाए, रेडिएटर फ़ैन का जो फ्यूज कट जाए, तो आपको फ्यूज़ तो रिप्लेस कराना है, फ्यूज के साथ हमारा फ़ैन जो मोटर होता है फ़ैन मोटर को भी रिप्लेस कराना होता है। क्योंकि अगर फ्यूज ठीक है तो फ्यूज के बाद हम रेडिएटर फ़ैन का जो रिले होता है उस रिले को चेक करें। दोस्तों क्विड गाड़ी में हमारा 4 पिन का रिले होता है। इस 4 पिन का रिले में हमारा जो 2 पिन होता है, 2 पिन जो कॉपर का रंग का जो 2 पिन है वो हमारा इनपुट और आउटपुट के लिए। तो इसमें देख सकते हैं जो ऊपर का जो 2 फ्लैग पिन है वो हमारा इनपुट और आउटपुट के लिए, वो 30 और 87, 30 से हमारा इनपुट आता है और 87 से आउटपुट होके हमारा इस रेडिएटर फ़ैन में जाता है, और बाकी जो 2 पिन है वो इस
रिले को ऑन करने के लिए हो। 85 में जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो उसमें मेन करंट आता है मेन रिले से, और बाकी जो 86 है, 86 में हमारा अर्थिंग करंट आता है वो ECM से आता है। अब ECM दो कंडीशन में हमारा इस 86 नंबर पिन में अर्थिंग सप्लाई करता है। पहला, जब हम AC को स्टार्ट करते हैं तो इस प्रेशर स्विच के जरिए हमारा ECM को पता चल जाता है कि हमारा AC स्टार्ट हो चुका है। और जैसे ही हमारा ECM को ये पता चल जाता है कि हमारा AC ऑन हो चुका है, उसके फौरन बाद ही हमारा रिले के उस 86 नंबर पिन में अर्थिंग करंट सप्लाई कर देता है। जैसे इस रिले के 86 नंबर पिन में ECM से अर्थिंग आता है, ये रिले ऑन हो जाता है और जो हमारा मेन करंट होता है वो इनपुट से आउटपुट तक फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही रिले ऑन होता है, इस रिले के अंदर मैग्नेट बनता है और रिले का 30 नंबर पिन और 87 नंबर पिन दोनों पिन आपस में मिल जाता है और हमारा जो मेन करंट है वो 30 से होकर हमारा 87 में जाता है और 87 से होकर फिर हमारा रेडिएटर फैन में जाता है, तो हमारा रेडिएटर फैन काम करता है। अगर ये रिले ख़राब हो जाता है तो 85 नंबर पिन में मेन करंट और 86 नंबर पिन में ECM से अर्थिंग करंट आता है तो भी ये रिले ऑन नहीं होता। अगर ये रिले ऑन नहीं होगा तो इसके अंदर मैग्नेट नहीं बनेगा, अगर मैग्नेट नहीं बनेगा तो हमारा इनपुट और आउटपुट दोनों आपस में कनेक्ट नहीं हो पाएगा, और अगर हमारा इनपुट और आउटपुट दोनों आपस में कनेक्ट नहीं होगा तो हमारा फ़ैन काम नहीं करेगा। रिले को चेक करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप रिले को आपस में इंटरचेंज करके इसको चेक कर सकते हैं। जैसे हमारा रेडिएटर फैन का जो रिले है उसको हॉर्न का रिले के साथ आप इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब हॉर्न का रिले को निकाल के आप रेडिएटर फैन का जो रिले है उसमें लगा दे और रेडिएटर फैन का जो रिले उसको हॉर्न का जगह में लगा दे। अगर आपका हॉर्न काम नहीं करता तो आप समझ जाइए आपका जो रिले है, रेडिएटर फैन का जो रिले है वो ख़राब हो चुका है। गाड़ी के रेडिएटर फैन में एक प्रॉब्लम ये आता है कि जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी को स्टार्ट करने के फौरन बाद हमारा रेडिएटर फैन भी ऑन हो जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि हमारा एक कूलेंट टेम्परेचर सेंसर होता है। दोस्तों, ये एयर फिल्टर है, इसी एयर फिल्टर के नीचे हमारा एक कूलेंट टेम्परेचर सेंसर होता है। ये टेम्परेचर सेंसर इंजन के हीट हो जाने पर ECM को सिग्नल देता है और ECM उसके बाद ही हमारा रेडिएटर फैन को ऑन करता है। लेकिन अगर आप AC को ऑन करके गाड़ी को चलाते हैं उस कंडीशन में हमारा ये रेडिएटर फैन लगातार चलता है। दोस्तों, जब हमारा कूलेंट टेम्परेचर सेंसर ख़राब हो जाता है या इसका वायर कहीं से डैमेज हो जाता है उस कंडीशन में भी हमारा रेडिएटर फैन लगातार चलता है। हम गाड़ी का AC को बंद करके रखते हैं उसके बावजूद भी हमारा रेडिएटर फैन लगातार ऑन रहता है। तो जब भी आपके गाड़ी में कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आता है कि आपका गाड़ी स्टार्ट होती है आपका रेडिएटर फैन ऑन हो जाता है, उस कंडीशन में आपको एक बार इस कूलेंट टेम्परेचर सेंसर का वायर को आपको ज़रूर चेक करना है। अगर वायर ठीक है उसके बाद भी ये प्रॉब्लम आता है तो आपको एक बार इस कूलेंट टेम्परेचर सेंसर को चेंज करा के ज़रूर देखना है। तो ये थी दोस्तों पूरी वीडियो। दोस्तों, वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पाने के लिए। धन्यवाद।